वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि हल्दी का पानी पीने से, इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा आपको मिलता है बॉडी में, तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आंवला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आंवला बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जैसा कि आपने कई लोगों से सुना होगा वो कई चीज़ों में आपको फ़ायदा करता है, चाहे आयुर्वेदा में आपने डॉक्टर से पूछा हो या आपने फिजिशियन से पूछा हो, कई डॉक्टर्स और फिजिशियंस और कोई भी लोग नेचुरल वे में आपको यही कहेंगे कि आंवला एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, चाहे आप इसको वैसे ही खाएँ, पीस के खाएँ, पाउडर में खाएँ, अचार बना के खाएँ, वो आपको किसी भी रूप में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आंवले के बारे में जानते हैं और ये देखते हैं कि रोज़ एक आंवला खाने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है या सांस फूलती है सीढ़ियाँ चढ़ने में किसी भी चीज़ में, तो वो लोग आंवला ज़रूर खाएं, क्योंकि इसे खाने में जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम से आप बचे रहते हैं। जिन लोगों को नहीं है वो तो हैबिट ज़रूर बना लें, चाहे वो अचार की फॉर्म में खाएं या ऐसे ही खा लें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आप क्या करें कि इसको जो है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डाइजेशन। आंवले में फाइबर होता है जो कि डाइजेशन को ठीक रखने में आपकी मदद करता है। इसको खाने से ना आपको कभी भी कब्ज़ की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, मोशन क्लियर ना होना, मोशन दो दो बार आना, तीन तीन बार आना, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो दिन में एक आंवला आप ज़रूर खाएं, जिसकी वजह से आपको मोशन वगैरह क्लियर करने में भी काफ़ी आसानी होती है। उसके बाद है फ्रेंड्स, डायबिटीज़। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ज़रूर बोली और मैंने इंटरनेट वगैरह पे भी देखी है और अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि डायबिटीज़ में अगर आप आंवला ज़रूर खाते हैं ना, तो आंवला खाने से जो ब्लड शुगर का लेवल है आपका वो कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और जिन लोगों को थोड़ा सा वहम रहता है कि हम मीठा खाते हैं तो कहीं शुगर ना हो जाए, वो लोग भी, और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है वो लोग भी एक आंवला ज़रूर खाएं, क्योंकि एक आंवला खाने से जो आपका ब्लड शुगर का लेवल है ना काफ़ी कंट्रोल में रहता है, और आप जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो उनसे बचे रहते हैं और जिन लोगों को है वो भी अपना खा के अपने लेवल्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं। कई लोग तो फ्रेंड्स चेहरे की ग्लो बढ़ाने के लिए भी इसको खाते हैं, क्योंकि इसे खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स दूर रहते हैं और चेहरे का ग्लो बढ़ता है। ग्लो बढ़ाने के लिए लोग बहुत ही अलग अलग क्रीम्स और पाउडर्स और दुनिया भर की चीज़ें लेते रहते हैं, इसलिए बेस्ट जो है ऑल्टरनेटिव इन सबका है आंवला। आंवला एक ज़रूर आप खाएं, जिससे कि बॉडी के टॉक्सिन्स आपके दूर रहेंगे और चेहरे पे ग्लो बढ़ता रहेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, बालों के लिए। यस फ्रेंड्स, ये काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है, बट आपके बाल वगैरह भी इससे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। जिन लोगों को बाल टूटने की, ग्रोथ ना होने की, इन सब की प्रॉब्लम्स रहती है ना, वो लोग जो है आंवले को ज़रूर खाएं और इससे बाल भी आपके हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बालों की चमक तक को बढ़ा देते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। तो अगर आप अभी से ही ये हैबिट डाल लेते हैं तो ओल्ड एज में जाते जाते आपको जो है बालों की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कई लोग फ्रेंड्स आंवला खाते हैं अपना वेट को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आंवला खाने से जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वज़न तेज़ी से कम होने लगता है, क्योंकि ये सिट्रिक नेचर का होता है, इसीलिए जो भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना, ये उसको डाइजेस्ट करने में आपको मदद करता है, और जब खाना ईजिली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो वज़न कम करने के लिए भी आप रोज़ एक आंवला ज़रूर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आंवला जो है वो कैसे हमें एडवांटेज पहुंचा सकता है, कैसे हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, और आंवला में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, इनडाइजेशन, इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, प्लस हमारे बाल कैसे हेल्दी रह सकते हैं, प्लस हमारे चेहरे की ग्लो कैसे बनी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और अच्छी इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करेंगे। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जो है आने वाले टाइम पर हम और अच्छे बेटर वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।